दोस्तों, जो पांचों वीटो धारक देश हैं, वो बरसों पुरानी नीतियों के साथ अब दुनिया पर राज करेंगे तो ये अब संभव नहीं है, क्योंकि भारत, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील जैसे ताकतवर देश भी इस दुनिया में रहते हैं और ये देश अब पीछे हटने वालों में से नहीं। या तो पांचों का वीटो पावर रद्द होगा या फिर भारत को, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को वीटो मिलेगा। इस पर विश्व स्तर पर चर्चा होगी, जो 75 सालों से पांचों वीटो धारक देश हैं, जो बाकी वर्ल्ड को ब्लैकमेल करते हैं, जो डिजर्विंग देश हैं जिन्हें वीटो मिलना चाहिए, उसे किसी न किसी एक देश का समर्थन नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो बेचारा देश पीछे हो जाता है और उसे वीटो नहीं मिल पाता। उन्हीं में से एक देश है हमारा महान भारत। इस देश से निकले वे लोग गूगल के सीईओ बनते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बनते हैं। एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत, फिर भी उसे वीटो नहीं दिया जाता। दरअसल दोस्तों, वैसे तो भारत यूएनएससी के अंदर ये डिमांड करता आया है, लेकिन इस बार ऐसा पहली बार हो रहा है जब भारत ने साफ साफ दुनिया से ये सवाल पूछा है कि आखिर इन पांच देशों के पास ऐसा क्या है कि ये 188 देश जिनको वीटो पावर नहीं मिली है उनसे अलग हैं और उनसे श्रेष्ठ हैं। ये पांच देश आपस में ऐसे लड़ते हैं कि यूएन इनकी वजह से कुछ भी काम ठीक से नहीं कर पा रहा है और इनकी प्रभावशीलता यूएन में काफी ज्यादा है। और इस बात से पता चलता है कि चीन और रूस इन दोनों देशों का नाम बदल रहे हैं। चीन का नाम आज भी ताइवान रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता है और चीन के राष्ट्रपति ने जो कुर्सी ली हुई है उसका नाम भी ताइवान रिपब्लिक ऑफ चाइना है। सेम यही केस रूस के साथ है, उसकी सीट का नाम USSR है और वो इसे चेंज नहीं करने दे रहा। ऐसे में ये बात बताती है कि ये पांचों देश से कभी भी सहमति पर नहीं पहुंच पाते और एक तरीके से पूरी दुनिया के लिए या मिलकर ब्लैकमेल करने का काम करते हैं, क्योंकि जब यूएनएससी और यूएन नाम नहीं बदल सकते, आपसी सहमति से हम उनसे क्या उम्मीद रख सकते हैं कि वे दुनिया की परेशानियों का समाधान निकालेंगे। और सबसे बड़ी बात जो भारत ने कही है वो यही है दोस्तों कि कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूशन है, मान लो कि यूएन है, वो मिटेगा नहीं, लेकिन धीरे धीरे करके ये खत्म होता चला जाएगा और इसकी वैल्यू घटती जा रही है, जो कि बिल्कुल गलत हो रहा है। अगर भारत की बात की जाए तो भारत दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। भारत के पास परमाणु क्षमता भी है, इसके बावजूद भी भारत को यूएनएससी में शामिल नहीं किया जा रहा। ऐसे में भारत की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि अगर भारत को वीटो नहीं दिया जा रहा है तो फिर उन पांचों देशों को क्यों दिया जा रहा है, और ऐसे में उन पांचों देशों का भी वीटो रद्द किया जाना चाहिए, ऐसा जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इससे पहले वीटो पावर पर भारत ने एक और बड़ा बयान देते हुए खुलेआम कहा था कि आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मौजूद स्थायी देश अपने वीटो पावर का इस्तेमाल राजनीतिक हितों को पूरा करने के लिए कर रहे हैं और इस संगठन में नैतिक मूल्यों को ध्यान में नहीं रखा जा रहा, जिसका नतीजा हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे संयुक्त राष्ट्र लगभग हर बड़ी वैश्विक चुनौती को काउंटर करने में नाकाम रहा। चाहे हम फूड क्राइसिस की बात करें या एनर्जी क्राइसिस की या फिर यूक्रेन वॉर के, यूनाइटेड नेशन में हर जगह काफी खराब परफॉर्मेंस दिखाई दी है, जिसकी वजह से अब अधिकतर देशों का भरोसा इस संगठन से उठ चुका है। और यही वजह है कि भारत अब इस बात को पूरी तरह से साफ कर चुका है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रिफॉर्म होना चाहिए और ये भी जरूरी है कि ये सभी बदलाव हर देश को बराबर रिप्रेजेंटेशन और पावर देते, क्योंकि सिर्फ तभी हम इन्हें सही मान सकते हैं। और यही वजह है कि आजकल भारत के बयान मौजूदा स्थायी सदस्यों को काफी परेशान कर रहे हैं। ऐसे में फिर इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।